आरक्षण को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने आरक्षण को लेकर प्रदेश कार्यालय में धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके पहले बीजेपी कार्यालय में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। आगामी चुनाव और संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई थी। तो प्रदेश कार्यालय में धरना का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बिहार बीजेपी प्रभारी भी पहुंचे थे और तमाम चीज़ों को लेकर के एक समीक्षा जो है वो की गई थी और आरक्षण को लेकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन बीजेपी करने वाली है। तो आरक्षण को लेकर के लगातार बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे के हितैषी बता रहे हैं अति पिछड़ों को लेकर के और इसको लेकर के लगातार कार्यक्रम तय किया जा रहा है। बीजेपी अपना कार्यक्रम कर रही है, जेडीयू अपना कार्यक्रम कर रही है और ऐसे में धरना का आयोजन किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आरक्षण को लेकर के बीजेपी ने मोर्चा खोला है। तो प्रदेश कार्यालय में आज धरना का आयोजन किया गया है और बीजेपी ये कह रही है कि आरक्षण के विरोधी हैं जेडीयू। जेडीयू ये कह रही है कि बीजेपी आरक्षण का विरोधी है। बहरहाल अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, आरक्षण को लेकर के लगातार दोनों पार्टियां बीजेपी हो जेडीयू हो हितैषी अपने आप को करार दे रही है। बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी, क्या अपडेट है, क्या कार्यक्रम रखा गया है? बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो प्रखंड और जिला मुख्यालय में धरना देंगे जेडीयू के खिलाफ में, वर्तमान की सरकार के खिलाफ में। लगातार आरोप बीजेपी लगा रही है कि वर्तमान की जो महागठबंधन की सरकार है उन्होंने बिना आरक्षण के बिना रोस्टर तैयार किए ही नगर निकाय चुनाव की तैयारी की है और इसको लेकर हाईकोर्ट ने उस पर रोक भी लगाया है। अब बीजेपी की रणनीति है कि सभी प्रखंड जिला मुख्यालय में जो है धरना प्रदर्शन कर जो बताने की कोशिश करेगी कि वर्तमान की सरकार जो है अतिपिछड़ा विरोधी है और आने वाले समय में जनता इनको समझता है। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है और बिहार में काफी संख्या में जो अतिपिछड़ा जो है वो लगातार जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के सबसे जो है इनकी नजर पे है। प्रतिदिन ने आरक्षण के मुद्दे पर आज तमाम अति पिछड़ा बीजेपी के नेता हैं, उनको टास्क दिया गया है कि वो जिला और प्रखंड मुख्यालय में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार को घेरने के काम करेंगे। इसी कड़ी में आज बिहार के सभी प्रखंडों में तमाम प्रखंडों को निर्देश दिया गया है कि आज वो जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए।